का रे एमसी स्टैन, तू हमारे बेटा को छपरी कह रहा हो और तू का है? सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल यूट्यूबर्स न्यूज़। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे सुपरस्टार वर्सेस एमसी स्टैन के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि बिग बॉस के प्रीमियर में जब एमसी स्टैन से पुणे सुपरस्टार के बारे में पूछा गया था, तो इस पर एमसी स्टैन ने पुणे सुपरस्टार के कंटेंट को क्रिंज बोल दिया था। समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे? नहीं क्या, मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या। जिसके बाद एमसी स्टैन को काफी ज्यादा हेट भी मिली थी और अभी उनके इंस्टाग्राम से 2 लाख फॉलोअर्स भी माइनस हो गए हैं। जी हाँ गाइस, पहले उनके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन फॉलोअर्स थे, पर गाइस अभी उनके इंस्टाग्राम पर ओनली 10.8 मिलियन फॉलोअर्स बचे हैं। और गाइस, अभी पुणे सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी दादी का इस पर क्या रिएक्शन था। तो अभी आप लोग उस वाली वीडियो के यहाँ पर देख सकते हैं। का रे एमसी स्टैन, तू हमारे बेटा को छपरी कह रहा हो और तू का है? तू के लाने हल्के में ले रहा हो, वो गरीबों की मदद कर रहा हो, तुम क्या करते ही? अबे भी सुधार जा, मौका है। भाई तो भाई, आपको क्या लगता है कि इस वाले वीडियो में पुणे सुपरस्टार की दादी ने एमसी स्टैन को जो कुछ भी बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पुणे सुपरस्टार की सगी दादी नहीं है, बल्कि एक ऐसे ही रैंडम दादी है। और गाइस, क्या एमसी स्टैन पुणे सुपरस्टार को रिप्लाई करने वाले हैं? जी हां गाइस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई थी जिसमें उन्होंने हिंट दिया था कि शायद उनका पुणे सुपरस्टार के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्ट आ सकता है। तो उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने बोला है न्यू क्रिप एल्बम और कुछ तो बलता आने वाला है। सो गाइस, हो सकता है कि उनका पुणे सुपरस्टार के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्ट वगैरह आए। सो गाइस, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज देता रहता हूँ। सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा।